गेंद, इस बार गति में परिवर्तन किया था, गेंद शरीर से टकराई, अंपायर के फैसले का इंतजार, तेज कदमों के साथ एक रन दौड़ के पूरा किया, बल्ले का किनारा था वहां पर, एक रन आता हुआ। देखिए वक्त का ख्याल रखना है दोनों टीम में, देखिए पहले गेंद जो गिरी थी 1:01 पर, तो 1:21 तक आपको अपने 4 ओवर कंप्लीट होने हैं। दीपेश नाइक की अगली गेंद, इस बार स्लॉग स्वीप की कोशिश, वहां पर प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। अच्छी वापसी करते हुए दीपेश नाइक, जब से इस साल कप्तान बने आर्यन 11 भादवाड़ की एक नई ऊर्जा आ गई है। इस बार अधूरे मन से स्ट्रोक को खेला था, कनेक्शन नहीं हुआ है, इस बार रन के लिए पलट चुके हैं, देखने एम्पायर का क्या फैसला आता है। बाई की शक्ल में आते हुए एक रन, एक की मदद से टोटल स्कोर है 3 रन्स। देखिए एक ओवर का पेनल्टी दिया गया बालाजी स्पोर्ट्स सरौली पाड़ा को, देखना है 3 ओवर में कितने रन जोड़ पाते हैं और कितने रनों का लक्ष्य रख पाएंगे आर्यन 11 भादवाड़ के सामने। अगली गेंद, इस बार पल्ला बहुत तेज चलाया लेकिन वहां पर हल्ला नहीं, डॉट बॉल। दीपेश नाइक का मिसाइल ऑफ भादवाड़ा, अपने नाम के अनुसार गेंदबाजी करते हुए, इसी साल मैंने इनको नाम दिया था मिसाइल ऑफ भादवाड़ा, क्योंकि जो गेंदबाजी कर रहे हैं बहुत ही कमाल की। अगली गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश थी, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। दीपेश नाइक का बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक के बाद एक बीट करवा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रहा है बैट और बॉल में, देखने कब लॉकडाउन को तोड़ पाएंगे बल्लेबाज। अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया फाइन लेग की तरफ, वहां पर थिंक हरीश मलावकर थे, एक रन 30 कदमों के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, एक की मदद से टोटल स्कोर है 4 रन्स। देखिए रन बने हैं 4, देखने अगले ओवर में बदलते हैं किसके विचार, लेकिन इस वक्त विचार नहीं, साहिल शिल्के के रूप बदल चुके हैं। इसके बाद शंकर जुकर फैम टीम, अद्वैत 11 पिंपलघर और सोहान स्पोर्ट्स, देखिए इस वक्त शंकर जुकर फैम टीम आर्यन 11 भादवाड़ा एक्शन में नजर आ रही है, जो इस साल नंबर 2 पर रैंक कर रही है। इसके बाद अद्वैत 11 पिंपलघर नजर आएगी एक्शन में, इस साल अगर मैं आर्यन 11 भादवाड़ की बात करूं तो 1 कप को अपने नाम किया है, 1 कप की रनर अप टीम है और 2 सेमीफाइनल खेला इन्होंने, 2 नंबर पर रैंक करी है इस साल सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। मौका था इनके पास बालाजी के शो में के इतिहास बनाने का, आज तक सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में एक सीजन में 2 कप नहीं जीत पाई है अगर मैं बात करूँ आर्यन 11 भादवाड़ की, लेकिन इस साल मौका अभी भी इनके पास मौजूद है। दूसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज हरीश मलावकर, देखना ये किस तरह गेंदबाजी करते हैं दूसरे ओवर में, देखिए प्लीज कॉपरेट करना है आर्यन 11 भादवाड़। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर सचिन चौधरी, इस बार देखना वहां पर क्या किनारा था लेकिन विकेट कीपर का सहारा नहीं मिल पाया, एक रन पूरा करते हुए जीवन दान मिला नितिन थे विकेट कीपर, आप पिछले टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हीरो थे, क्या गजब का क्रिकेट खेल रहे थे, एक सिक्सर हैट्रिक भी लगाई थी उन्होंने इस टूर्नामेंट में। हरीश मलावकर एक बार फिर से मुड़ते हुए, अब स्ट्राइक पर है रोशन। अगली गेंद, इस बार फुल टॉस लेकिन तेज तर्रार थे, मिस हुए थे बल्लेबाज, मिस हुए विकेट कीपर, एक रन बनाए दूसरे के लिए पलट चुके हैं, संदीप पाटिल आकर गेंद को फील्ड करते हुए जब तक बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। बाई की शक्ल में आते हुए 2 रन, सोहन के कैप्टन और अद्वैत 11 के कैप्टन, आप लोगों को टॉस के लिए आना है प्लीज। हरीश मलावकर की अगली गेंद, इस बार आगे रखा था गति परिवर्तन, नहीं समझ पाए बल्लेबाज। अगली गेंद, इस बार
विकेटों पर निशाना साधने की कोशिश थी वहां पर हरेश मलावकर की, लेकिन बीट हुए। देखिए वक्त का ख्याल रखना है क्योंकि कल मैच हो चुका था जवान स्पोर्ट का, तो जो दर्शक है मैं उनकी मालूमात के लिए बताता चलूँ, किसी कारण इनका रीमैच कराया जा रहा है। इस बार हवा में तान दिया है, फील्डर मौजूद है लेकिन मात्र दर्शक बन के रह जाएंगे। गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। इस इनिंग का पहला बड़ा हिट हमें देखने को मिलता हुआ रोशन के बल्ले से, सिक्सर की मदद से। देखने क्या पिक्चर को बदल देंगे बल्लेबाज रोशन। अब टोटल स्कोर है 14-14। जोहान की टीम आहिस्ता आहिस्ता पूरी तैयार होती हुई, आज फिरोज उर्फ सोनू भी हमें नजर आएंगे एक्शन में, कल नहीं थे, यौम जुमा होने के कारण लगता है नहीं नजर आए थे। अगली गेंद इस बार शॉर्ट एम पुल, मिसक्यू पुल शॉट है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है डीप में और विकेट गिरता हुआ। रोशन का आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं। इस वक्त हम देखे तो करण करण भंडारी हैं नए बल्लेबाज। हिट विकेट आउट हुए वहां पर बल्लेबाज, थैंक यू वेरी मच। कैच भी आउट हुए थे, हिट विकेट भी आउट हुए थे, एक ही इनिंग में दो तरीके से आउट हो गए, क्या बात है। न्यू बैट्समैन गए हैं करण भंडारी, देखने क्या बल्लेबाजी करेंगे भारी। हरेश मालावकर सफलता हासिल करते हुए, अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट करण के लिए, मिस टाइम स्ट्रोक है। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की तरफ, वाइडिश काफी खेला था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। दो ओवर का खेल हो चुका है, रन बनी अगर हम देखें तो सिर्फ पंद्रह-15। देखिए जल्द से जल्द तीसरा ओवर शुरू करना है प्लीज। आर्यन इलेवन भादवाड़ टीम के कैप्टन दीपेश नाइक, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने बहुत अच्छे तरीके से अभी तक कॉपरेट किया है। देखने तीसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। देखिए विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा बंसी मिक्की पवन, जो कोई भी अगर हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं YouTube के माध्यम से या फिर ग्राउंड में किसी कोने से, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को भी पहुंचना है क्योंकि जो अगला मैच होगा उसकी विजेता टीम आपसे खेलने वाली है तुरंत बाद, रुकने का कोई मौका नहीं है, यही कारण है आप लोगों को कॉपरेट करना है। तीसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांडे ऑफ भिवंडी केवल भोई। पहली गेंद पर चौके से इनका इस्तकबाल किया गया है बल्लेबाज करण भंडारी ने, केवल भोई लंबा रन अप, हार्दिक पांड्या ऑफ भिवंडी एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए बाउंसर, तीखा बाउंसर किया था वहां पर करण भंडारी को, बहुत गजब की गेंदबाजी। देखिए बिल्कुल चाल डाल आप देखिए केवल भोई की और उनकी गेंदबाजी करने का तरीका देखिए, काफी हद तक मिलता जुलता नजर आएगा आपको हार्दिक पांड्या से। यही कारण था कि मैंने इन्हें एमजे ट्रॉफी में नाम दिया था हार्दिक पांड्या ऑफ भिवंडी। अगली गेंद इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, देखना क्या खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंच पाएंगे। केवल खुद गए हैं आत्मनिर्भर बनते हुए, अपना काम खुद करो। आउट हो गए बल्लेबाज करण भंडारी, एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त बालाजी स्पोर्ट्स का, थोड़ा सा परेशानियों में नजर आ रही है
क्योंकि पहले इनको पेनालाइज भी मिला एक ओवर का, अब रन बने हैं सिर्फ, हम यहाँ से देखे तो 19-19। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त दीपेश, प्लीज आपको तेज कदमों के साथ जाना है दीपेश। दीपेश ठाकुर इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ाते हुए, हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफीज एंड स्पॉन्सर इनके टीम, लेकिन अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। तीन गेंदों का आना बाकी है इस ओवर की, देखने और कितने रन बटोर पाते हैं माला जी स्पोर्ट्स के बल्लेबाज दीपेश, न्यू बैट्समैन राइट आर्म ओवर द विकेट, केवल भोई एक बार फिर से मुड़ते हुए। अगली गेंद, इस बार अच्छा कंधे का इस्तेमाल किया था अपनी गेंदबाजी में, अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ, प्ले एंड मिस डॉट बॉल। ये देखिए दीपेश नाइक अब बहुत मूड में नजर आ रहे हैं, चाम बढ़ चुका है उनका। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक रन पूरा किया दीपेश ने और अपना खाता खोला, सिर्फ एक गेंद का आना बाकी अब यहाँ से, और स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज सचिन चौधरी। ओपनर बैट्समैन आए थे और अभी तक टिके हुए हैं, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए हैं, पाँच गेंदों में रन बनाए हैं सिर्फ तीन। केवल बोई राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर थोड़ी सी छोटी गेंद, देखना वहां पर अंपायर के फैसले का इंतजार, रन के लिए पलट चुके हैं, डायरेक्ट हिट और आउट हो गए बल्लेबाज करण भंडारी, वाइट बॉल और दीपेश, करण भंडारी आउट होकर लौट चुके थे, दीपेश भी अब आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। देखिए बालाजी स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं उनके 12वें खिलाड़ी, खुशी का राज क्या ही हम ज़रूर जानना चाहेंगे। मेरे को मालूम है, तेरे को क्या पता। नए बैट्समैन आए इस वक्त सुजल आखिरी गेंद का सामना करने के लिए, इस बार गेंद पीछे की तरफ जाती हुई, संदीप झुकर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन देखना गेंद क्या उन्हें छूकर जाएगी, गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए चौके की मदद से टोटल स्कोर कितने बने हैं 26 का टारगेट है आर्यन 11 भादवाल के सामने, देखने 26 रन बनाने के लिए क्या रोक पाएगी बालाजी स्पोर्ट्स। देखिए बालाजी स्पोर्ट्स आपको तुरंत फील्ड लगाना है, जवान स्पोर्ट्स और अद्वैत 11 पिंपलगढ़, अब दोनों को टॉस के लिए आना है। अद्वैत 11 पिंपलगढ़ के कैप्टन सुहान के आ चुके हैं, जल्द से जल्द फील्ड लगाना है बालाजी स्पोर्ट्स, ओपनर बैट्समैन बिल्कुल रेडी रखना है, आर्यन 11 भादवाड़ शंकर जुकर फैम टीम, इस वक्त दो दो हाथ कर रही है बालाजी स्पोर्ट्स विराज चुरगे फैम टीम। ये देखिए संदीप जुकर और संदीप पाटिल को कौन अलग कर सकते हैं, पूरी टीम एक साथ आई, ये दो अलग आ रहे हैं, इनका जर्सी नंबर भी सेम है 26, टारगेट भी वही है 26, क्या बात है। बालाजी स्पोर्ट्स कुणाल भोईर आपसे रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द फील्ड लगाना है, ओपनर बैट्समैन भेजना है आर्यन 11 भादवाड़, ओपनर बैट्समैन भेजना है आप लोगों को।
दोनों ही ऑफिशियल अंपायर इस वक्त बीच मैदान में पहुंचते हुए, और ओपनर बैट्समैन देखने हैं किससे ओपनिंग जोड़ी के लिए भेजा जाता है। देखिए दोनों ही ओपनर बैट्समैन चंद्रकांत जोशी इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं, स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज नितिन, पिछले टूर्नामेंट के हीरो। पहली गेंद वहां पर स्लॉग स्वीप कर दिया है नितिन ने और गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। इस बार फिर से स्वीप किया है और गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। आइए सीएस पाटिल सर निकेल टोटल स्कोर अब बन चुके हैं इस वक्त आठ। पहले ओवर में विशाल आए गेंदबाजी के लिए, एक बहुत अच्छे बेहतरीन गेंदबाज महादेव चषक में जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी,
लेकिन उसके बाद इंजर्ड हुए थे, अब वापस से लौट रहे हैं एक्शन में। पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने और दिगंबर माली पिछले मैच के हीरो बने थे। अगली गेंद इस बार काफी आगे रखा था, फ्रंट लेग को अलग करके खेल दिया, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ, गैप काफी ज्यादा है वहां पर और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर सीधा चार रनों के लिए। चौके की मदद से टोटल स्कोर है 12 रन 12 रन। अद्वैत 11 पिंपल घर के कैप्टन आपको तुरंत टॉस के लिए आना है प्लीज। अद्वैत 11 पिंपल घर, देखिए टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अगर आप टॉस के लिए अब नहीं आते तो फिर आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, पेनलाइज भी आपको किया जा सकता है। इस बार लोअर फील्ड टॉस और गेंद जा रही है फिर से लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। इस ओवर में उस दिशा में बहुत बाउंड्रीज लगाई है और चौके की हैट्रिक पूरा करते हुए बल्लेबाज नितिन। चौके की हैट्रिक पूरा करते हुए इस टूर्नामेंट के तीसरे बल्लेबाज बने हैं नितिन। टोटल स्कोर अब हम देखे तो कुल 16-16। पहले ओवर का खेल चल रहा है आज विशाल थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में, वरना गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी उन्होंने महादेव चषक में, लेकिन आज उतने अच्छे लय में नहीं नजर आ रहे हैं। पहले ओवर में बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की इनके खिलाफ नितिन ने, नितिन जो कि बालाजी के शो स्वर्गवासी मोतीराम बालू चुर्गे स्मृति चषक के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, मैन ऑफ द सीरीज साइकिल उन्होंने जीती थी। अब देखने उप सरपंच चषक में क्या हासिल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्म है इस सीजन। अगर हम उनकी बात करें तो महादेव चषक में भी गजब का क्रिकेट था। अगली गेंद फिर से वहां पर स्वीप की कोशिश थी लेकिन इस बार मिस हुए डॉट बॉल। एक ओवर के बाद टोटल स्कोर हम देखें तो कुल है 16-16। हम यहाँ से जीत के लिए जो रन चाहिए सिर्फ 10। देखिए अगर चंद्रकांत जोशी कोई बड़ा हिट लगाते हैं तो दीपेश नाइक की तरफ से एक स्टिंग दिया जाएगा। दूसरा ओवर लेकर आए हैं कुणाल भोईर लेफ्ट आर्म गेंदबाज, बहुत अच्छा गेंदों को बाहर की तरफ निकालते हैं राइट हैंड बैट्समैन से। देखिए तीन ओवर में यहां से जीत के लिए 10 रन चाहिए आर्यन इलेवन भादौड़ को, कोई चमत्कार कर दिखाना होगा बालाजी स्पोर्ट्स को।
इस बार फिर से हवा में तान दिया है। वहां पर बल्लेबाज नितिन ने और गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, बहुत ही कसब का स्ट्रोक लगाया वहां पर। देखिए अंपायर मैच को रोकना है। अच्छे गेंदबाजी करते हुए इस वक्त कुणाल भोईरा बहुत अच्छे तरीके से गेंदों को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं बीट करवाते हुए। अगली गेंद देखने हैं वहां पर मिस, स्विंग एंड मिस डॉट बॉल। दो ओवर के बाद देखने हैं कितने रन बने इस वक्त, 22 22। देखिए 28 रनों का टारगेट आर्यन इलेवन भादवाड़ के सामने, 28 और इसी के साथ मैच को जीत लिया है आर्यन इलेवन भादवाड़ ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन।